15 दिन के बाद जब मैं अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए गई, तो जब डॉक्टर मेरी अल्ट्रासाउंड कर रही थी तो मैंने देखा उनके फेस के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए हैं। मुझे कुछ खटका कि शायद कुछ तो प्रॉब्लम है। मैंने डॉक्टर से पूछा, इज़ ऑल ओके डॉक्टर? सो शी सेड कि या आप बाहर आइए, मतलब अल्ट्रासाउंड रूम से अब मेरे कैबिन में आइए। जब मैं उनके कैबिन में गई तो उन्होंने मुझे बोला कि नुपुर, जनरली जो बेबी की हार्ट बीट होती है 6th वीक तक आ जाती है, बट आपकी नहीं आई है तक आज। सो वो 1 वीक मेरी लाइफ का सबसे लंबा हफ्ता था। पूरी रात मेरी रोने में निकलती थी, इतना डर लगता था। पूरे टाइम मैं यूट्यूब पे, गूगल पे वीडियोस देखती रहती थी मिस अबॉर्शन के बारे में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ब्लेसिंग एंड सो मच सपोर्ट। मुझे जो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने अपने प्रेगनेंसी स्ट्रगल के बारे में बताया था, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला आप लोगों से। थैंक यू सो मच। आज मैं उस वीडियो का सेकेंड पार्ट और फाइनल पार्ट आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जिन्होंने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हैं। सो लास्ट वीडियो में यही था कि मैंने अपना NTNB टेस्ट कराया था, जिसके थ्रू ये पता चलने वाला था कि बेबी स्पेशल चाइल्ड तो नहीं है। सो फाइनली उस टेस्ट के रिपोर्ट आने में 20 से 25 दिन लगते हैं, और वो 25 दिन फ्रेंड्स बहुत बहुत मुश्किल हो गए थे निकालने। हर रात बहुत रोना आता था, बहुत डर लगता था। मैं मंदिर जाती थी, पूजा करती थी कि भगवान इस बार कुछ भी पिछली बार जैसा ख़राब ना हो, और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, मेरा BP बहुत हाई रहा। फाइनली आई स्टिल रिमेंबर, इट वॉज अ डे ऑफ संडे। 20 से 25 दिन बाद जब मेरी रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट एक्चुअली वो जो बेबी का DNA होता है उसका, वो उन्होंने मुंबई भेजा था टेस्ट कराने के लिए। दिल्ली से मुंबई गया था वो टेस्ट, और वहाँ से रिपोर्ट आने में पूरे 25 दिन लगे थे। जब वो रिपोर्ट आई तो आई स्टिल रिमेंबर, मैं लंच कर रही थी और उस दिन संडे था जब मैं हॉस्पिटल से कॉल आया, और मेरे हाथ लिटरली कांप रहे थे कि डॉक्टर क्या बोलने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी मेरे को। डॉक्टर ने मुझे फ़ोन पे यही बोला कि नुपुर, न्यूज़ इज़ नॉट गुड, वी गॉट द रिपोर्ट फ्रॉम द लैब एंड द बेबी इज़ ए स्पेशल चाइल्ड एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर यू टू कीप दिस बेबी, बिकॉज नॉट फॉर यू, फॉर द बेबी इट गोना बी अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ, सो इट्स बेटर टू ड्रॉप दिस प्रेगनेंसी and go for abortion. So I was super hurt, I was so broken. बहुत 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 मुश्किल टाइम था वो मेरी पूरी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा होगा, क्योंकि टच वुड बचपन से मुझे जो चाहिए होता है मुझे बड़ी आराम से मिल जाता है। कभी मैंने लाइफ में, या फिर हमारे छोटे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब लगती है, यही सारे आपके लाइफ के चैलेंजेस होते हैं जो टच वुड सभी के कंप्लीट हो जाते हैं। तो पहली बार लाइफ में ऐसा हो रहा था, बहुत बहुत घबराहट, रोना, ऐसा लग रहा था बेचारी वाली फील आ रही थी कि मेरे ही साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। बट एनीवेज, उस प्रोसीजर से निकलना था अबॉर्शन के बाद। डॉक्टर ने मुझे बोला था, अब आप 6-7 मंथ्स का ब्रेक लो, और सबसे पहले आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपना और अपने हस्बैंड का DNA टेस्ट कराओ कि कहीं आप दोनों के DNA में तो कोई इशू नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपसे होने वाला हर बेबी के साथ कोई ना कोई इशू रहे। सो हमने वो बोलने के बाद पर 1-2 महीने तक हमने कुछ नहीं कराया, हमने इस प्रेगनेंसी वर्ड से ही ब्रेक ले लिया था। हम इस बारे में बात ही करनी बंद कर दी थी, ना मैं कुछ सपने देख रही थी, मुझे लग रहा था शायद मेरे लक में ये चीज़ ही नहीं है, और सोचना ही बंद कर दिया था कि दोबारा प्लान करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया था। फाइनली टाइम हील करता है सब कुछ। 2 महीने बाद फिर हमने सोचा कि चलो हमें अपना DNA टेस्ट कराना चाहिए। हमने अपना DNA टेस्ट कराया तो टच फुट उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, हमारे साथ ऐसा कोई इशू नहीं था। तो 6-7 मंथ्स के बाद जो मैंने कंसीव किया 3rd टाइम, तो इस बार तो मैंने किसी से भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कोई शेयर नहीं किया था, सिर्फ हमारी जो हमारी फैमिली है बस उसी के, उन्हीं को पता था। मैंने अपनी मम्मी के घर भी, अपने मायके में भी किसी से कुछ शेयर नहीं किया था। मैं बहुत, मेरा मन ही नहीं करता था इस टॉपिक पे बात करने का, क्योंकि फिर सब कुछ ना कुछ एडवाइस देने लगते थे, सजेशंस देने लगते थे, और आपको मन नहीं करता उस बारे में बात करने का बार बार। तो इस बार मैंने किसी को भी नहीं बताया था अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। और 3 मंथ्स
आराम से निकल गए थे, हार्ट बीट आ गई थी, लेवल वन का भी टेस्ट ठीक हो गया था। इस बार मेरा जो लेवल वन में था, लेवल वन में जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें उन्होंने NIPT टेस्ट किया था। NIPT टेस्ट के में अगर आप 2.5 मंथ में ही अगर वो टेस्ट कराना होता है, उसी बीच आप वो टेस्ट, फिर 5th मंथ में जो लेवल टू जिसे कलर ड्रॉपलेट भी बोलते हैं वो वाला टेस्ट हुआ, टचवुड उसमें भी सब कुछ ठीक आया था। और मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगी, मेरी फैमिली फिर प्लान करती थी कि 7 मंथ्स में यहाँ पे जो बेबी शार होता है, पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मुझे बहुत डर लगा हुआ था इस पूरी प्रेगनेंसी में कि टचवुड सब ठीक हो जाए। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि कोई बेबी शार का फंक्शन हो, मुझे नहीं किसी को के सामने आना था किसी, मतलब आपको लगता है ना खुशी से डर लगता है आपको, वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। मैंने बहुत कन्विंस किया फैमिली को कि नहीं करते हैं, बट सबके अब यहाँ जो रिचुअल्स होते हैं सब वो पूरा करना चाहते थे। और फाइनली इस प्रेगनेंसी का जब 8th मंथ था तो मुझे हल्की सी स्पॉटिंग हुई और मैं बहुत घबरा गई। और मुझे अभी भी याद है बहुत रात को तेज़ बारिश हो रही थी और रात के कोई 2-3 बजे थे, मुझे लगा कि मुझे थोड़ी स्पॉटिंग हुई थी। तो हम इमीडिएट रात के 2:30-3 बजे ही तेज़ बारिश में हम तुरंत हॉस्पिटल गए। वहाँ पूरी रात डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल में रखा, कुछ बेबी की हार्ट बीट्स वगैरह सब कुछ टेस्ट हुए, उन्होंने मेरे कुछ ब्लड टेस्ट लिए क्योंकि मेरे को थोड़ी ब्लीडिंग हो गई थी, बट टचवुड सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने बोला कि किसी रीज़न से हो गई होगी, सब कुछ ठीक लग रहा है, बेबी हेल्दी लग रहा है। तो छोटे छोटे ये इंसिडेंट हो रहे थे थर्ड प्रेगनेंसी में भी। और अगले दिन फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं घर आई तो फिर उस दिन से मैंने प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम ले लिया, मैं ऑफिस जाना मैंने बंद कर दिया था 8th मंथ से। और 8th मंथ के मैं सिर्फ वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। और फाइनली 9th मंथ आया और मुझे आज भी याद है डॉक्टर ने जो मुझे डिलीवरी डेट दी थी उससे 1 हफ्ते पहले मैं छत पर वॉक कर रही थी और छत पर एक फोल्डिंग बिछी हुई थी, मैं उस पर जैसे ही बैठी मुझे पता नहीं था कि फोल्डिंग लूज़ हो गई है, आई डोंट नो। मैं इतनी स्पीड से धड़ाम नीचे गिरी उस फोल्डिंग से और मुझे लगा कि बस फिर कुछ गड़बड़ हो गई है, इतनी ज़ोर से मैं उस फोल्डिंग से गिरी। बट एकदम से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मुझे लगा कि ये क्या हो गया। बिल्कुल फुल टाइम चल रहा था उस टाइम मेरा, और लेकिन टचवुड कुछ गड़बड़ नहीं हुई और सब कुछ ठीक रहा। एंड फाइनली 28th नवंबर को आई ब्लेस्ड विद अ, थैंकफुली मेरा वो स्ट्रगल निकल गया। मैं बहुत लकी थी कि मेरा जो स्ट्रगल टाइम था बहुत कम था, 1.5-2 साल ही मैंने ये सारी चीज़ें झेली। बहुत लड़कियां हैं जिनको 3-3-4-4 साल हो गए हैं। जो वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही था कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि बेबी की हार्ट बीट आके चली गई है या आपका बेबी कोई स्पेशल चाइल्ड है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते हैं या आपके एक हेल्दी बेबी नहीं हो सकता है, आपके भी एक हेल्दी बेबी ज़रूर हो सकता है। ये कुछ टाइम होता है शायद हमारा ख़राब, जिसमें आप जो काम करते हैं वो ख़राब ही हो जाता है, शायद आप ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर आप वीडियो देख रही हैं जो आप इस चीज़ से, अगर आपने ये चीज़ें झेली हैं, तो आप घबराना मत, शायद आपका भी अच्छा टाइम आ जाएगा, शायद नहीं 100% आपका टाइम आएगा, बस पेशेंस रखना। मेरे साथ भी यही हुआ, आपको ये एडवाइस दे सकती हूँ। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ इम्पॉसिबल है, कभी आपको ये ब्लेसिंग नहीं मिल सकती, आप कभी माँ नहीं बन सकते, या आपको बहुत डर लग रहा होगा दोबारा प्रेग्नेंट होने में, अगर आपके साथ ये सब फील कर रहे हो तो जो वो नेचुरल है वो आपको फील होगा। लेकिन आप डिसअपॉइंट मत होना, हार मत मानना। अगर आपके साथ ऐसा कोई केस हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ हर बार ऐसा होगा, एक टाइम आएगा जब आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जैसे मेरी भी हुई थी। मुझे श्री कृष्ण ने, मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे बेबी मिला सिर्फ कृष्ण भगवान की वजह से मिला था, और यही मुझे मैं सोचती हूँ कि ये ब्लेसिंग मुझे सिर्फ श्री कृष्णा की वजह से मिली है। सो जस्ट हैव बिलीव, हैव फेथ इन योर गॉड, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और भगवान पे भरोसा रखें। यू विल गेट योर डे। बाय।